हे कोरियन जगह व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं लव लाइक द गैलेक्सी एपिसोड 56 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ गू विलेज में सभी अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं। शाओशेंग हर जगह से कैरोसिन हटवाने का काम करती है। एक ब्लैक आर्मर गार्ड एग्री करता है। क्विकी कहता है, मैंने यहाँ सारे कुएं ढूंढ लिए हैं, यहाँ सिर्फ एक ही कुआ है और तालाब ज्यादा गहरा नहीं है। अगर यहाँ आग लग गई तो हम बचा नहीं पाएंगे। शाओशेंग कहती है, गू विलेज पहाड़ी पे बसा है, इसलिए इसे वेयर हाउस भी कहा जाता है। एक साल का अनाज यहाँ कई इलाकों में ये गांव आराम से पहुँचा सकता है। यहाँ पानी का सोर्स क्यों नहीं होगा? होगा जरूर, बस हमें पता नहीं है। किसी को भेजो, वो यहाँ के लोगों से पूछे कि वो लोग खेती में पानी कहाँ से लेते हैं। कोई की जैसे ही जाता है, शाओशेंग उसे रोकती है। शाओशेंग को यांजी की बातें याद आती हैं कि त्यांशु ने कैरोसिन छुपा दिया है। जब क्राउन प्रिंस गू विलेज में आएंगे, शाओशेंग कहती है, 100 किलो से ज्यादा कैरोसिन छुपाया है, मतलब वो सिर्फ एक ही विलेज को टारगेट नहीं कर रहा है। वो सामने पहाड़ी को देखते हुए कहती है, पुराने किताबों में लिखा है कि हवा आग को फैलाती है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ। अगर ऊपर आग लगेगी तो आग यहाँ और नीचे तक फैलेगी, फसलें ही आग में नहीं लगेंगी। त्यांशु लोगों को नहीं मारना चाहता, वो लोगों का खाना भी उनसे छीनना चाहता है ताकि कंट्री घुटनों पे गिर जाए। तभी एक तीर ब्रिज पे लगता है। कोई की शाओशेंग को बचाता है। वो लोग झुक जाते हैं और सामने से त्यांशु के लोग आग में लगा हुआ तीर पूरे गांव की तरफ फेंकते हैं। पूरे गांव में वो तीर लगते हैं। हर जगह तबाही का मंजर शुरू होता है। वो तीर हर जगह पहुंचते हैं। क्विकी कहता है, मैं उन सभी को हटा के आता हूँ। शाओशेंग कहती है, मैं आग को देखती हूँ। क्विकी एक एक्शन हीरो की तरह आगे बढ़ता है। शाओशेंग कहती है, क्या हुआ? गार्ड बताता है, हमें कैरोसिन उसमें मिला जिसमें गांव वाले लोग अपना सामान संभाल के रखते थे, वो यहाँ हर जगह है। तभी एक बर्तन में तीर लगता है और उससे धमाका बहुत तेज होता है। शाओशेंग और गार्ड दोनों गिर जाते हैं। आग बहुत लग चुकी होती है। गार्ड शाओशेंग को उठाता है। कुछ तीर लोगों पे लगते हैं, लोग मर रहे होते हैं। कोई की उन्हें देखता है, यहाँ लोग जल रहे होते हैं, वो हेल्प मांगते हैं। शाओशेंग सब कुछ देखती है और कहती है, आग को सिर्फ मिट्टी ही बुझा सकती है, मिट्टी लाओ। सभी वहाँ मिट्टी लाते और डालती हैं। यहाँ लड़ाई शुरू होती है। बुई और क्राउन प्रिंस लड़ाई देखते हैं। त्यांशु कहता है, हो बुई, तुमने ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया था, है ना? तुमने सभी रास्ते सोचे, हाँ? एक्चुअली सब कुछ मेरे प्लान से जा रहा है। इस वक्त मेरे लोग गो विलेज में तबाही कर रहे होंगे, वहाँ के लोगों का मरना होगा और मैं उनकी फसलों को भी बर्बाद कर दूंगा। तुम्हारा एम्परर नेक दिल है ना? अगर तुमने लोगों को छोड़ा और क्राउन प्रिंस को बचाया तो मैं देखना चाहूँगा कि दुनिया में लोग तुम्हें कैसे देखेंगे। क्राउन प्रिंस कहता है, जी शेंग, मेरे बारे में भूल जाओ, गो विलेज में लोगों को और उनकी खेती को बचाओ, जाओ यहाँ से। वो ही कहता है, शाओशेंग गू विलेज में है, वो सही ही होगा। क्राउन प्रिंस कहता है, अगर वो वहाँ है तो तुम वहाँ जाकर उसे बचाते क्यों नहीं हो? तुम उसे ऑलरेडी डिसअपॉइंट कर चुके हो और अब तो वो डेंजर में है। अगर तुमने उसे फिर छोड़ा, वो दोबारा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। क्या तुम उसे दोबारा खो के रिग्रेट पूरी जिंदगी करना चाहते हो? यहाँ गो विलेज में तबाही का मंजर होता है। शाओशेंग लोगों को देखती है और उनकी हेल्प करते हुए कहती है, तीर को देखो और उनसे बचो, बूढ़े और औरतें पहले जाओ बाहर। यहाँ शाओशेंग मिट्टी डालती है। यहाँ ब्लैक आर्मर गार्ड्स लड़ते हैं। शाओशेंग मिट्टी डालती है, उसे बच्चे की रोने की आवाज आती है, वो भाग के वहाँ जाती है। यहाँ लड़ाई होती है। क्विकी गो विलेज में लड़ता है। यू फेई वहाँ क्राउन प्रिंस के पास लड़ता है। एक बच्चा यहाँ रोता है। शाओशेंग उसे उठाती है और बाहर ले आती है। क्विकी यहाँ लड़ता है। यू फेई घायल हो जाता है। शाओशेंग भागती है। क्विकी कहता है, मैडम आप यहाँ से चले जाएं। शाओशेंग चीख के कहती है, ये तो बहुत सारे लोग हैं, भागो यहाँ से। यहाँ बुई और त्यांशु लड़ते हैं। बुई उसे मारता है। त्यांशु कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग दिलदार हो? हाँ, मुझे लगा कि तुम सबसे पहले लोगों को बचाओगे, पर तुम यहाँ इसे बचा रहे हो। यहाँ शाओशेंग लोगों को भागने को कहती है। यहाँ त्यांशु कहता है, एम्परर वैन को खुश करने के लिए
और इस यूजलेस क्राउन प्रिंस को बचाने के लिए तुम अपने प्यार को छोड़ रहे हो? तुम तो बस ड्रामेबाज हो, यहाँ लड़ाई होती है। क्राउन प्रिंस कहता है जी शेंग गो विलेज में जाओ और शाओशेंग को बचाओ। वही कहता है मैं उस पे ट्रस्ट करता हूँ, मैंने और उसने एग्रीमेंट किया है कि लोग ही हमारी पहली प्रायोरिटी है, हम एक दूसरे का बर्डन कम करके दुश्मनों को खत्म करेंगे। शाओशेंग की इंटेलिजेंसी पे मुझे यकीन है कि वो वहाँ सब कुछ संभाल लेगी। यहाँ क्विकी कहता है मैडम को बचाओ। शाओशेंग कहती है मैं नहीं जा रही हूँ यहाँ से। बोई कहता है मुझे यकीन है कि अब वो 5 साल पहले वाली नहीं है, इस बार वो मुझे ब्लेम नहीं करेगी, आई ट्रस्ट हर। शाओशेंग तलवार उठाती है और कहती है जी शेंग मुझ पे ट्रस्ट करता है, अगर मैं मर भी गई तो भी मैं लोगों को और उनकी खेती को बचाऊंगी जरूर। यहाँ बुई तियांशु को मारता है, तियांशु घायल हो जाता है, बुई उसके छाती पे तलवार मारता है। तियांशु कहता है लाओ और मुझे मार दो। बुई तुम इतने रहम दिल हो, पूरी हु फैमिली एक ट्रेजेडी में मर गई, तुम्हारे एम्परर ने क्रिमिनल को प्रमोट किया, तुम्हें अपना बदला लेने के लिए तुम सबके खिलाफ हो गए और तुम्हारा प्यार तुमसे छिन भी गया, तुम बस नौकर हो उस पावर के। बुई उसके जख्म पे और वार करता है। तियांशु दर्द में होता है और हंसते हुए कहता है तुम्हारे हाथों से मरना एक बेस्ट एंडिंग होगी मेरी। बुई कहता है तुम मुझे प्रोवोक करना चाहते हो ताकि मैं तुम्हें यही मार दूं? हाँ मैंने सुना था एम्परर ली के लोगों को पैलेस में ही गाड़ दिया जब वो नहीं रहे, बस तुम ही बचे हो क्योंकि तुम अननोन थे, तुम उस एक छोटी चींटी के समान हो। तियांशु शराब बोलता है और कहता है मेरे मास्टर का मुझ पे कर्ज है, वो मुझे एक चींटी के समान कैसे देख सकती है? मास्टर मुझे अपने साथ ले जाना नहीं चाहते थे, वो मुझे जिंदा रखना चाहते थे ताकि मैं उनकी तरफ से बदला ले सकूं। वही कहता है आर यू श्योर? वो अपना बदला तुमसे दिलवाना चाहते थे या वो तुम्हारा नाम याद ही नहीं रख पाते थे? तियांशु सब बकवास बताता और कहता है उन्हें सब याद है, मैं उनका फेवरेट हूँ, अब दुनिया मेरे हाथ से खत्म हो रही है, मैंने उनकी आखिरी इच्छा पूरी की है, अब सभी मुझे याद रखेंगे। वही कहता है बेवकूफ बनना बंद करो, तुम्हें लगा कि तुम हमसे एक कदम आगे हो बट एट द एंड तुम्हें कुछ हासिल नहीं हुआ, ये एम्पायर नहीं गिरेगा और कोई भी तुम्हें याद नहीं रखेगा। वो तलवार निकालता और कहता है जल्दी चलो गो विलेज में, ब्लैक आर्मर गार्ड्स एग्री करते हैं। यहाँ गो विलेज में ब्लैक आर्मर गार्ड पीछे होते हैं, तियांशु के लोग आगे होते हैं, फाइनली वो हमला करते हैं, सभी यहाँ लड़ते हैं, वहाँ जलने वाला माहौल होता है, लड़ाई बहुत तेज होती है। यहाँ भुई भागा भागा जाता है, वो गो विलेज के लोगों के लिए निकलता है। शाओशेंग लोगों को प्रोटेक्ट करती है, गार्ड कहता है मैडम वो पीछे होती है। यहाँ भुई भागता है, गो विलेज में लड़ाई होती है, एनिमी लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, लोग और ब्लैक आर्मर गार्ड्स यहाँ कम होते हैं, वो पीछे अपने आप को बचाने के लिए होते चले जाते हैं। तभी पीछे से घोड़े की आवाज आती है, फाइनली वो कोई और नहीं चेंग फैमिली वहाँ आ जाती है। चेंग शी तलवार निकाल कर कहता है मेरी न्याओ न्याओ पे कोई हाथ तो लगा के दिखाए। शाओशेंग मुड़ के देखती है, शाओ युआन और उसकी पूरी चेंग फैमिली उसे बचाने वहाँ पहुँच जाती है, सभी वहाँ घेरा बनाते हैं। शाओ युआन कहती है मैं तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ। शाओशेंग कहती है फादर मदर आप यहाँ दुश्मनों को देखें, मैं आग को बुझाने की कोशिश करती हूँ। सभी वहाँ एग्री करते हैं और वो आगे बढ़ते हैं। शाओशेंग कहती है शाओगोंग कुछ लोगों को लेकर जाओ, विलेज और माउंटेन के बीच एक नाली बनाओ, अगर वहाँ कोई पेड़ नहीं होंगे तो आग माउंटेन तक नहीं पहुँचेगी, सब तुम पे डिपेंड करता है। शाओगोंग एग्री करता है। शाओशेंग चीची और सॉन्ग से कहती है हमारे लिए रास्ते बनाओ, मैं यांग यांग और बेंजिया मिट्टी लाएंगे ताकि आग पे काबू हो सके। सभी यहाँ एग्री करते हैं। यहाँ चेंगशी और शाओ युआनी लड़ते हैं, शाओशेंग मिट्टी भर के आग पे काबू पाने की कोशिश करती है। यहाँ बुई भागा आता है, यहाँ सॉन्ग और चीची बचाते हैं। शाओशेंग मिट्टी भर के गांव को बचाने की कोशिश करती है। चेंगशी और शाओ युआनी एक एक्शन मोड में आ जाते हैं, पूरी चेंग फैमिली गो विलेज के लोगों को बचाती है। बुई फाइनली गो विलेज में पहुंच जाता है, वो गो विलेज में सब जगह देखता है, वहां सब कुछ देखकर वो हैरान हो जाता है, हर जगह बॉडी पड़ी होती है। तभी सामने से चेंग फैमिली आती है, बुई उसके पास आकर कहता है शाओशेंग कहाँ है? वो गो विलेज में अंदर जाते हैं,
शॉशैंक बाहर निकलती है। बुई भागता हुआ शॉशैंक के पास जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे की तरफ भागते हुए बढ़ते हैं। बुई और शॉशैंक एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। सभी उन्हें देख के खुश होते हैं। बुई और शॉशैंक एक दूसरे को देखते हैं। शॉशैंक कहती है, हमने गू विलेज को बचा लिया, हम जीत गए। बुई कहता है, हम भी जीत गए हैं। बुई और शॉशैंक एक दूसरे को पकड़ के हग करते हैं। पूरी की पूरी चैंग फैमिली उन्हें देख के खुश होती है। वो दोनों एक दूसरे के गले लगे होते हैं। यहाँ यूफेई घायल होता है, वो रो रहा होता है। क्विकी पूछता है, तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हारा चेहरे को कुछ नहीं हुआ है, तुम वाइफ ढूंढ सकते हो। सॉन्ग उसे देखता है। यूफेई कहता है, मैं मास्टर और मैडम की उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा हूँ। जब हम नॉर्थ वेस्ट में थे, मैं चाहता था कि जीतोंग और मास्टर की शादी हो जाए। अब मास्टर और मैडम शादी करने जा रहे हैं, इससे मुझे अब सुकून मिल रहा है। सॉन्ग कहता है, तुम बेवकूफ इसलिए बने क्योंकि तुम औरतों को नहीं समझते हो। मैं तुम्हारे फ्यूचर में हेल्प करूंगा। वेस्टर्न रीजन में लड़कियां उनका डांस। तभी वहां चीची आती है और कहती है, कोई कहीं जा रहा है? हाँ। सॉन्ग एकदम से खड़ा होता है और कहता है, मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं। क्विकी हंसता है। यूफेई शॉक होता है। सॉन्ग कहता है, मेरी वाइफ ही मेरी पूरी दुनिया है, तुम लोग मुझे भटकाओ नहीं। सॉन्ग चीची से मेडिसिन लेकर रखता है। चीची कहती है, बैठो। तभी पीछे से आवाज आती है। शॉगोंग कहता है, मैंने नई भविष्यवाणी देखी, उसके हिसाब से हम जल्दी ही खुशियां मनाएंगे, वो क्या हो सकता है? चीची कहती है, तुम अब छोटे नहीं हो, अगर तुम शादी करना नहीं चाहते तो तुम इम्पीरियल एग्जाम की तैयारी करो, बचकानी हरकतें अब बंद कर दो। शॉगोंग कहता है, तुम नहीं समझोगे, नॉर्मल पर्सन घर गृहस्थी में ही घुसेगा, मैं तो घूमूंगा, इंजॉय करूंगा और एक्सपीरियंस भी लूंगा, तब मैं अपनी मंजिल ढूंढ लूंगा। सॉन्ग कहता है, अपनी भविष्यवाणी खुद देखो ना, तुम्हें तुम्हारा रास्ता मिल जाएगा, ये एक्यूरेट नहीं है। चीची हंस जाती है। शॉगोंग कहता है, मेरी भविष्यवाणी के अनुसार तुम बचोगे नहीं आज रात। चीची, मैं तुम्हें बताऊंगा कि सॉन्ग की 8 लड़कियां दोस्त हैं। सभी शॉक होते हैं। चीची कहती है, सॉन्ग वो गुस्सा करती है, तुमने बताया नहीं? हाँ, तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम थकान से मर भी सकती हो? देखते हैं तुम में कितनी ताकत है। सॉन्ग हिल जाता है। चीची उसे पीटती है। सभी उसकी पिटाई देखते हैं। चीची अपना गुस्सा फाइनली निकाल रही होती है। यहाँ वो ही कहता है, तुम कितनी देर और आराम करोगे? शॉशैंक मुझसे तुम्हारे बारे में कई बार पूछ चुकी है। युआनशैंक कहता है, मैंने तुम्हारा फूड और मेडिसिन खाया है, इतना सुनाने की क्या जरूरत है? वो ही कहता है, हुआ कुछ नहीं, बस मेरी फियांसे तुम्हारी चिंता करी है, इसका मतलब तुम मेरे अगेंस्ट में हो। युआनशैंक कहता है, उससे कहो कि मैं ठीक हूँ, बट क्राउन प्रिंस को कैपिटल पहुँचाना है, तुम उसकी रिपोर्ट बनाओ, जाओ। वो ही कहता है, मैं चलता हूँ। तभी युआनशैंक उसे रोक के कहता है, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, शॉशैंक मेरी ही तरह है, इन रियलिटी मैं गलत हूँ, मेरे पेरेंट्स की वजह से मुझे प्यार से नफरत थी, बचपन से मैंने सोचा कि रिश्ता एक जहर की तरह है जो मेरी जिंदगी खराब ही कर देगा, मेरे लिए हस्बैंड और वाइफ एक गैस की तरह है, बट शॉशैंक ने कुछ अलग ही कहा, भले ही वो पत्थर दिल और सेल्फिश है, बट वो जलती थी अपने पेरेंट्स के लविंग रिलेशनशिप की वजह से, एक्चुअली तुम दोनों सेम ही हो। वही कहता है, मैं तुमसे पहले नफरत करता था, बट उन 5 सालों में मैं तुम्हारा बहुत ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि जब वो अपने सबसे कमजोर मोमेंट में थी, तुम थे उसकी साइड, बट डोंट वरी, आज के बाद मैं उसे उदास नहीं करूंगा। युआनशैंक कहता है, मत करना, नहीं तो। वही कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं। बाहर बॉनफायर होती है। शॉशैंक अपने टेंट से बाहर निकलती है, वो आसमान देखती है। पीछे से बुई भी बाहर आता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। शॉशैंक कहती है, तुम जानते थे कि मैं गू विलेज में डेंजर में थी, फिर भी तुम मुझे लेट बचाने क्यों आए? वही कहता है, तुमने मुझे तुम पे ट्रस्ट करने के लिए कहा था। शॉशैंक कहती है, तुमने कुछ ज्यादा ही ट्रस्ट कर लिया, तुम्हें डर नहीं लगा कि मुझे कुछ हो जाएगा? वही कहता है, ऑफ कोर्स मैं डर गया था, मैंने अपना मन बना लिया था कि अगर तुम्हें कुछ होता तो मैं भी नहीं जीता। शॉशैंक मुस्कुराते हुए कहती है, बकवास बंद करो, मैं मजाक कर रही थी। वो ही स्माइल करता है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। वो उसके साथ टहलता है। शॉशैंक कहती है, मुझे खुशी हुई तुमने मुझ पे ट्रस्ट किया और अपना बोझ आधा किया, अगर कुछ हो जाएगा मुझे तो मैं चाहती हूँ कि तुम अच्छे से जियो, तुम बेहतर जिंदगी जियो,
यहाँ मैजिस्ट्री और यू बाहर निकलते हैं। मैजिस्ट्री टूटता तारा देख के कहता है, देखो ये अच्छी चीज की निशानी है। अगर शैनन जिंदा होती तो वो सबसे ज्यादा खुश होती जी शेंग और शाओ शेंग को लेकर कि वो अब एक होने वाले हैं। शैनन ऊपर से ये सब देख के खुश हो रही होगी, है ना? यहाँ शाओ शेंग कहती है, जो मर जाते हैं क्या वो सच में स्टार्स बनते हैं? वो ही कहता है, मैं ऊपर ऐसे ही देखता था, मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई बहन क्या स्टार्स बन गए हैं? क्या वो मुझे ऊपर से देख रहे होंगे? उसके बाद वो मुझे रिस्पॉन्ड करने लगे। शाओ शेंग कहती है, वो कैसे? वो ही कहता है, मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, वो चमकेंगे, ट्राई करो। शाओ शेंग एम्प्रेस को याद करती है और कहती है, क्या वो तारा चमका? वो ही कहता है, एम्प्रेस, फादर, मदर, मैंने अपनी जिंदगी ढूंढ ली, देखा आपने? उन्होंने देख लिया। फाइनली दोनों एक दूसरे को देखते हैं। शाओ शेंग रोती और कहती है, एम्प्रेस हमें हमेशा एक साथ देखना चाहती थी, अब वो हमारे लिए खुशी होंगी। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। शाओ शेंग कहती है, तुमने ये कई सालों से पहना है, जब भी मैं इस शाओ शेंग धागे को देखती थी तो मुझे लगता था कि मेरे दिल में कुछ है, कुछ ऐसा है जो मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। जी शेंग, तुम्हारा कैरेक्टर पर्सनालिटी एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह है, तुम बेस्ट मैन हो इस पूरी दुनिया में, मैं लकी हूँ जो तुमसे मिली। वही कहता है, तुम प्योरेस्ट, काइंडेस्ट, सबसे ज्यादा लॉयल लेडी हो जिससे मैं मिला हूँ, तुम बेस्ट लेडी हो पूरी दुनिया में, मैं भी लकी हूँ जो तुमसे मिला। फाइनली दोनों एक दूसरे को देखते हैं और बुई फाइनली शाओ शेंग को किस कर लेता है। उनके बीच एक स्वीट मोमेंट होता है। चेंग शी और शाओ युआनी तभी बाहर आते हैं। चेंग शी बुई और शाओ शेंग को देखता है, वो जैसे ही उसके पास जाता है शाओ युआनी उसे रोक देती है। यहाँ बुई और शाओ शेंग किस करके एक दूसरे को देखते हैं। शाओ शेंग मुड़ के अपने पेरेंट्स को देखती है। वो दोनों बुई और शाओ शेंग के पास आ जाते हैं। चेंग शी कहता है, जनरल हू? हो बुई, अब मैं अपनी बेटी तुम्हें सौंपता हूँ, अगर तुमने फिर से उसे परेशान किया तो पूरी चेंग फैमिली तुम्हें मारने आ जाएगी और न्याओ न्याओ को जस्टिस दिला के रहेगी। बुई मुस्कुराता है, पीछे पूरी चेंग फैमिली खड़ी होती है, सभी उन्हें देखते हैं। बुई कहता है, श्योर। सभी वहाँ उसके पास आते हैं और खुशी से खड़े होते हैं। बुई कहता है, चेंग फैमिली में काइंड और एक्सीलेंट लोग हैं, सभी वहाँ खुश हो जाते हैं। बुई फाइनली कई सालों के बाद खुश होता है, सभी वहाँ खुश होते हैं। यहाँ मैडम चेंग कहती है, भगवान की हम पे कृपा है, मैं जानती थी कि मैं किस्मत वाली हूँ, देखो मेरा बड़ा बेटे के पास एक्सीलेंट वाइफ है, युआनी बेस्ट है। सर्वेंट कहती है, यही नहीं, सेकंड मास्टर और उनकी वाइफ को भी तो मैरिट मिली है, और जनरल हु भी है, वो शाओ शेंग से जल्द ही शादी करेंगे। मैडम चेंग कहती है, इस बार दहेज ज्यादा आएगा क्या? सर्वेंट एग्री करती है। दोनों खुश हो जाती है और हंसती है। मैडम चेंग कहती है, मैं भी देखना चाहती हूँ कि कौन मेरी ग्रैंड डॉटर की शादी खराब करने की कोशिश करता है। यहाँ मैजिस्ट्री गुस्से में कहता है, किसने कहा कि वो शादी हुआ काउंटी में कर सकता है? यू कहती है, उसके पेरेंट्स वही हैं, सो वो वहाँ शादी क्यों नहीं कर सकते? मैजिस्ट्री कहता है, बट। तभी यू कहती है, तुम जीशेंग की शादी कब से करवाना चाहते थे? अब वो फाइनली सेटल हो रहा है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मैजिस्ट्री कहता है, ये जीशेंग की शादी है, मैं उस शादी में क्यों ना हूँ? वो कैसे हुआ काउंटी में शादी कर सकते हैं? इसका कोई सेंस ही नहीं है। मैं नहीं मानता, मैं कभी एग्री नहीं करूँगा। जाओ उन्हें जल्दी यहाँ बुलाओ, मैं उनकी शादी कैपिटल में ही करवाऊंगा। यू कहती है, तुम इतने उतावले क्यों हो रहे हो? मैजिस्ट्री कहता है, मैं? वो हद पार कर रहे हैं, मैं इस दिन का कई सालों से वेट कर रहा था और अब वो दिन आ गया तो मैं उसे अटेंड भी नहीं कर सकता, ये काउंट नहीं होगा जब तक मैं शामिल नहीं होगा। यू वहाँ से चली जाती है। मैजिस्ट्री ड्रामा करता है और बड़बड़ बड़बड़ करता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है, दरवाजा बंद होता है। मैजिस्ट्री कहता है, तुम मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर रही हो, ये भी काउंटी होगा। यहाँ सभी खुश होते हैं। युआन शेन बाहर आता है और कहता है, तुम सब हंस क्यों रहे हो? शागुंग कहता है, मुझे तुम्हारे बारे में भविष्यवाणी कर लेनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि तुम्हें। युआन शेन कहता है, शट अप। शाओ युआनी आसमान को गॉर्जियस बताती है। सभी आसमान के नजारों को देख के खुश होते हैं। वो सभी उस गैलेक्सी को देखते हैं जिसमें सब ठीक होता है, खुशियाँ होती हैं, शांति होती है, सुकून होता है। शाओ शेंग को उसकी फैमिली का प्यार आखिरकार मिल ही जाता है, बुई को उसकी मोहब्बत भी मिल जाती है, ये लव स्टोरी फाइनली एंड होती है। हे व्यूअर्स, थैंक यू फॉर योर पेशेंस।
मुझे टाइम लगा इस ड्रामे को एक्सप्लेन करने में, बट आपका सपोर्ट मुझे हमेशा मिला, इसलिए आप अपना लव कमेंट सेक्शन में दें ताकि मैं आपको बेटर एंटरटेन फ्यूचर में कर सकूं। थैंक यू।